हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे EVE वर्सेस AMD फुल स्टैट्स प्लस इनफो, यानी कि एवरेज वर्सेस M.CC के बीच जो ECS प्लस T10 की मैच नंबर 9 खेली जानी 11 अप्रैल को। ये मैच शाम 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। वेन्यू सेम है, आर्टिफिशियल पिच देखने को मिलेगी, इसलिए आपको फोकस जो करने हैं वो प्लेयर स्टेट्स पे करने हैं। एवरेज वो 97 के आसपास आपको दिख जाएगी। जो जरूरी रहेगा वो रहेगा लास्ट टाइम अपडेट फाइनल टीम, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना जरूरी है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और टॉप के कमेंट सेक्शन में मिलेगा। आपको लिंक से ही आना है, विदाउट लिंक के आते हो सकता है कि आप गलत चैनल में चले जाएंगे, इसलिए आपको लिंक से ही आना है। तो देखिए, एवरेस्ट की टीम जो है 3 मैचेस खेल चुकी है इस सीरीज में। कल के दिन आज का पहला जो मैच था वो हो गया है एबडोनेट, और इनको 2 पॉइंट दे दिया गया है। इनके बाद और एक मैच है, आप वो वाले स्कोर कार्ड जरूर देख लेंगे। पहला मैच तो खैर एबडोनेट हो गया तो उनमें स्कोर कार्ड आएगा ही नहीं, बट इनके बाद जो दोपहर 1 बजे से जो मैच है उनका स्कोर कार्ड देख लेंगे। उस मैच में ये सारे प्लेयर्स क्या करते हैं ये ज़रूर देख लीजिएगा, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। देखिए, अभी तक जो 3 मैचेस कल के दिन खेले गए हैं, हम ये 3 मैचेस की बात कर ले, तो तीनों मैचेस में जीवन लामसाल ओपन आए हैं और छठा और आठवां ओवर एक एक ओवर गेंदबाजी किए थे पहले और दूसरे मैच में। थर्ड मैच में गेंदबाजी नहीं किए हैं। वैसे एक एक बल्लेबाज है, सिर्फ बल्लेबाजी ज़्यादातर करते हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं। बट मैं आपको बता दूँ, जीवन लामसाल के नाम T10 के अंदर, यूरोपियन T10 के अंदर 3 हाफ सेंचुरी है। तो खिलाड़ी हैं शानदार, बट अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। बट किसी भी T10 में कभी भी कोई भी प्लेयर फॉर्म में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। जीवन लामसल का आपके लिए डिफरेंशियल पिक बन सकती है। बिमल राणा भट्ट दोनों सारे मैचेस में ओपन किया, प्लस दो दो ओवर की गेंदबाजी दे रहे हैं, स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं। एक CBC के बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, आई थिंक टीम के कैप्टन भी है। आप इनको CBC बिल्कुल कर सकते हैं इस मैच में। बाकी अर्जुन शाही है जो कि पहले मैच में नंबर 5 पे आए, बाकी मैचेस में 1 डाउन आ रहे हैं, बट इनके ओवर नहीं मिल रहे। ओवर नहीं मिलने का कारण यह है कि इन्होंने इस मैच में 1 ओवर की बॉलिंग करके 17 रन लुटा दिए थे। इसके बाद इस मैच में बॉलिंग करवाई नहीं की, पहले मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी करके 22 रन दिए थे, तो बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं की है। बट मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपने करियर की स्टार्ट जो की थी ना, ये एज ए बॉलर ही किए थे, बाद में ये बल्लेबाज बन गए। अभी 1-2 साल से ये रिसेंटली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बट ये बॉलिंग भी अच्छी करते थे पहले, ये बॉलिंग कर सकते हैं, वो आपको ओवरऑल स्टेट्स में भी दिख जाएगा। शाही लख्तर प्रॉपर ऑलराउंडर प्लेयर है, पहले मैच और सेकंड मैच में मैंने इनको कैप्टेंसी या वाइस कैप्टेंसी भी बहुत सारे GL में दी थी, बट इन्होंने बॉलिंग नहीं की। जब 2 मैचेस में कोई जो है खिलाड़ी बॉलिंग नहीं करता, तो थर्ड मैच में आप जो है सिर्फ एज ए बल्लेबाज आप उनको ऑलराउंडर सेक्शन से कुछ तो रिस्क ले सकते हैं। वही मैंने किया भी था, बट जब मैंने इन पे रिस्क लिया, इन्होंने 2 ओवर गेंदबाजी कर दी, छठा और 10वां ओवर, और ये है प्रॉपर ऑलराउंडर प्लेयर, और मुझे लगता है 2 ओवर गेंदबाजी करेंगे। एक CBC के बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। बल्लेबाजी से तो उतना कुछ खास अभी तक नहीं किए हैं, चाहे वो पिछला स्टेट्स हो या इस सीरीज में, बट गेंदबाजी ये अच्छा करते हैं, और वो लास्ट मैच में दिखाया भी इन्होंने। तो इनको आप CBC ट्राई कर लेंगे, बल्लेबाजी से ना सही गेंदबाजी से अच्छा काम करके दे सकते हैं। मोहम्मद हुसैन 3 मैच में बहुत शानदार गेंदबाजी किए हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आप कह लें इस टीम के, जो बॉलिंग अभी तक अच्छा की है राणा भट्ट के बाद नंबर 2 पे। अब देखेंगे, डेथ में भी गेंदबाजी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। राम जायसवाल देखिए हाई सिलेक्टेड जा रहे हैं इस मैच में भी, बट कहीं ना कहीं हो सकता है ये फ्लॉप, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी आती है बहुत ही नीचे। गेंदबाजी किस मैच में करेंगे ये कोई गारंटी नहीं है इनकी, पार्ट टाइमर बॉलर है। 2 ओवर की गेंदबाजी सेकेंड मैच में किए थे, विकेटलेस गए थे, इस कारण से इनका सिलेक्शन हाई जा रहा है, बट ये बल्लेबाजी से उतना कुछ खास रिकॉर्ड इनके नाम है नहीं। बट आप लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, आप सेफ जाना है तो बिल्कुल ले सकते हैं, हाई सेलेक्टेड है। श्याम पंडित विकेट कीपर बल्लेबाज, नंबर 5-6 पे बल्लेबाजी देंगे आपको, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि विकेट कीपिंग कर रहे हैं, एडवांटेज रहेगा एक कैचिंग प्लस स्टंपिंग का, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी किशोर बासनेट लास्ट मैच में खेले नहीं, 2 मैच में खेले कुछ खास किए नहीं। श्याम रावल लास्ट मैच में खेले नहीं, लास्ट 2 मैचेस में जो खेले थे कुछ खास किए नहीं, बहुत नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो एक प्लेयर मुझे पसंद है भुवन खत्री, इनके बॉल में स्विंग है और लाइन लेंथ अच्छी है, बट अभी तक अनलकी अब कह ले तो रहे हैं। इस मैच में इनको ओवर मिले नहीं, इस मैच में थोड़े से रन पड़ गए, 1 विकेट मिले यहाँ पे जो है, 1 विकेट पहले मैच में बहुत शानदार गेंदबाजी किए थे, 1 विकेट यहाँ भी लेके गए। तो भुवन खत्री खेलते हैं तो GL की एक अच्छी पिक रहेगी, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। हरीश छेत्री पहले मैच में 1 डाउन आए थे,
बाकी दो मैचेस में इनको नंबर 11 पे भी बल्लेबाजी नहीं मिली, यानी कि 10 नंबर तक बल्लेबाजी आ गई थी, 11 नंबर पे ये थे। तो इसका मतलब ये है कि ये अब बहुत ही लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे, अभी के लिए मैं इनको भी इग्नोर करके जा रहा हूँ। विजय के बारे देखिए थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं, बट मुझे अभी यहाँ पर इनके चांस नहीं लग रहे कि ये गेंदबाजी करेंगे। लास्ट मैच खेले थे, कुछ किए नहीं। भीमसेन बासनेट देखिए, ये जब भी बॉलिंग करते हैं तो ये पूरे पूरे ओवर डाल देते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि इनकी इकोनॉमी जो है थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है, रन इनको पड़ते हैं, बट डिफरेंशियल पिक रहेगी, GL में ट्राई कर सकते हैं भीमसेन बासनेट को। अब यहाँ से फुल स्टेट देख सकते हैं एवरेस्ट के। देखिए जीवन लामसल का नाम जो है ना, इनके करियर में 3 हाफ सेंचुरी है, तो बिल्कुल अच्छे पिक हो सकते हैं। रिसेंट में भी इन्होंने 2 मैचेस में 150 मार के आ रहे हैं, तो फॉर्म तो अच्छा था, अभी यहाँ पे अच्छा नहीं किया है, बट किसी न किसी मैच में ज़रूर चलेंगे। ध्यान रखिएगा जीवन लामसल, मैं जब तक इन लोगों की सीरीज चलेगी जीवन लामसल के बारे में मैं कहूँगा कि ये खिलाड़ी अच्छा कर सकते हैं। T20 के अंदर तो इन्होंने 4-4 ओवर की गेंदबाजी भी दिए थे और 3-3 विकेट भी लेके गए थे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बाकी यहाँ से और भी जिस प्लेयर का देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अर्जुन शाही पहले प्रॉपर बॉलर ही हुआ करते थे। देखेंगे 8 मैच में 15 ओवर की गेंदबाजी और 9 मैच में से 8 मैच में गेंदबाजी किए थे और रन देख लीजिए मात्र 7, बल्लेबाजी नंबर 9 और 8 पे करते थे। यही खिलाड़ी अब बल्लेबाजी ज़्यादा कर रहे हैं और गेंदबाजी कम कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर जो है ऑलराउंडर प्लेयर ही अभी आप मान के चले, बस इनको गेंदबाजी और बल्लेबाजी मिलनी चाहिए। रिसेंट फॉर्म भी तगड़ा ही था, 43 एक विकेट यहाँ पर 20 रन 1 विकेट, तो रिसेंट फॉर्म तो अच्छा था। शाहिल अख्तर बल्लेबाजी से तो उतना नहीं, बट गेंदबाजी से अच्छा काम करने के लिए जाना जाता है, बट इनको वही है कि गेंदबाजी करवा ही नहीं दे रहे, तो मतलब कि कुछ अलग ही चल रहा है। बाकी यहाँ से जो भी प्लेयर्स हैं न्यू प्लेयर्स, इनमें से कोई खेलते हुए दिखते हैं तो आप उनके स्टेट वाइज अपने टीम में जो है ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ से जो न्यू प्लेयर्स आए थे, और भुवन खत्री तो खेल है ही खेल ही रहे हैं, वो अच्छे बॉलर हैं, बट ओवर थोड़े कम मिल रहे हैं। यहाँ से भीमसेन बासनेट जब भी बॉलिंग किए हैं पूरे पूरे ओवर किए हैं, तो एक डिफरेंशियल पिक रहेगी, आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी अब हम बात करेंगे इनके अगेंस्ट जो खेलेगी एमडॉक की टीम। देखिए एमडॉक की टीम की जो है ना, ये पहला मैच रहने वाला, यानी कि इनका फर्स्ट मैच है एमडॉक सीसी का, आप कह ले तो एमडॉक सीसी का ये फर्स्ट मैच है, ध्यान रखिएगा इसका। इनका जो है स्टेट्स आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। चेतेश शाह इनके विकेट कीपर बल्लेबाज है। देखिए ECL 2021 में तो ये ओपन कर रहे थे और अच्छे अच्छे नॉक भी खेले हैं, 16 मैचेस में 216 रन बनाए थे और 16 के एवरेजेस 1 हाफ सेंचुरी भी था। विकेट कीपिंग करते हैं, अगर विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो 12% सेलेक्शन है, ध्यान रखिएगा। विकेट कीपिंग सेक्शन में कैचिंग प्लस स्टंपिंग का जो है एडवांटेज रहेगा, और जो है एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, ECS में खेल चुके हैं 2021 में। रिसेंट फॉर्म की बात कर ले, T10 के अंदर क्लब के लिए जो खेले हैं वहाँ पे 1 डाउन आए हैं, सारे मैचेस में लगभग 1 डाउन ही आ रहे थे। जिस मैच में ओपन आए थे उस मैच में 50 भी बनाए हैं, इस मैच में 1 डाउन आए हैं, इस मैच में 1 डाउन 24 और 8 खेले, तो रिसेंट फॉर्म भी तगड़ा है, क्योंकि T10 के अंदर 150 आना एक अच्छी बात है। गौरव सागवान ECL 2021 में खेल चुके हैं, 21 मैच खेले हैं ओवरऑल यूरोपियन T10 के अंदर, जहाँ पे 200 रन बनाए हैं, इनके भी नाम 1 हाफ सेंचुरी है। थोड़ी सी गेंदबाजी भी कर लेते हैं पार्ट टाइम। गौरव सागवान आपको हाई सिलेक्टेड दिखेंगे, अच्छे प्लेयर्स हैं, और रिसेंट टाइम के आप जो है इनके फॉर्म भी देख सकते हैं। ओपन आए हैं 6 रन बनाए, 1 ओवर की गेंदबाजी, यहाँ पे ओपन आए 12 रन बनाए, यहाँ पे जो है ओपन आए 16 रन बनाए, 1 ओवर की गेंदबाजी, विकेट वगैरह नहीं मिले हैं, तो फॉर्म तो एवरेज सा ही रहा है, उतना कुछ खास रहा नहीं, बट एक्सपीरियंस है इसके पास, तो ये काम करके जा सकते हैं। और ECL 2021 में जो खेले थे इनके लास्ट के 3 मैचेस देखेंगे तो 29 गेंद में 1 मैच में जो है 55 रन बनाए थे, तो गौरव सागवान भी इनके लिए ओपन कर सकते हैं। और एक प्लेयर से जो कि इनके लिए ओपन कर सकते हैं, अगर ओपन नहीं आते हैं तो 1 डाउन या फिर 2 डाउन इस प्रकार से ये आ सकते हैं। प्रीता देओल जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, ये भी विकेट कीपर बल्लेबाज है। ओवरऑल यूरोपियन T10 के अंदर 23 मैच में 245 रन है, हाइस्ट स्कोर 37 का, 18 का एवरेज से ये रन बनाए हैं। रिसेंट टाइम में इन्होंने सारे मैचेस में लगभग ओपन किया, इस कारण से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ओपन कर सकते हैं। T10 के अंदर ओपन आके 39-22 गेंदों में यहाँ पे 0 पे आउट हो गए, T20 के अंदर भी ओपन आए, तो प्रीताज देवल को आप डिफरेंशियल और GL में ही ट्राई कर सकते हैं,
और वैसे तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये ओपन नहीं आएंगे यहाँ पे। अब देखना है कि कहाँ पे नेम मेंशन रहता है। पंकज परवेश लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं, एशिया 2021 में खेल चुके हैं, 15 मैचेस में 220 रन है और 28 ओवर की गेंदबाजी करके 7 विकेट भी निकाले हैं। रिसेंट टाइम में क्लब T10 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी के ओवर भी कट रहे थे बट यहाँ पे पूरे ओवर करने चाहिए। कुछ कुछ मैचेस में नंबर 4 और 6 पे भी आ रहे थे और रन भी थोड़े थोड़े बना रहे थे, बट एक्सपीरियंस है ECS का तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 ओवर की गेंदबाजी भी देनी चाहिए, नंबर 4 से लेकर 6 नंबर तक बल्लेबाजी भी देनी चाहिए, बिल्कुल आपके टीम में होने हैं चाहिए, बिल्कुल आप इनको ले सकते हैं। बिमल खंडूरी, मुझे ये प्लेयर्स इनके टीम के तरफ से मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि ये रन स्कोर भी करना जानते हैं, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी भी करते हैं, प्लस गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, गेंदबाजी से, बल्लेबाजी से उतना अच्छा नहीं है बट गेंदबाजी से अच्छा है। ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, इसी 2021 में अदर क्लब से यानी कि जो जिस टीम से अभी ये खेल रहे हैं MW की टीम से, तब जब खेले थे अदर क्लब से तो किसी और क्लब से खेलते हुए इन्होंने कुछ इस प्रकार से प्रदर्शन किया था लास्ट के 3 मैचेस देखेंगे। वहीं जब अपने क्लब से खेले, जिस क्लब से ये खेलते हैं वहाँ पे इनका प्रदर्शन देख लीजिए शानदार रहा था, 21 रन 50 रन, यहाँ पे भी 2 2 ओवर की गेंदबाजी सारे मैचेस में किए, विकेट लेस भले जा रहे थे बट खिलाड़ी 2 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे थे, रन स्कोर कर रहे थे। 37 मैचेस में जो है 556 रन इनके नाम है, एक हाफ सेंचुरी है और एवरेज भी अच्छी है, 21 की एवरेज है। और यहाँ पे देखेंगे 36 मैचेस में 65 ओवर की गेंदबाजी करके 22 विकेट भी निकाले हैं। रिसेंट फॉर्म देखेंगे, नंबर 4 पे आके 6 रन 2 ओवर की गेंदबाजी, 29 रन 1 विकेट, यहाँ पे नंबर 4 पे आके 16 रन 13 गेंदों में प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी 2 विकेट, यहाँ पे नंबर 4 पे आके 1 रन 2 ओवर की गेंदबाजी 2 विकेट। तो रिसेंट फॉर्म में बल्लेबाजी से तो उतना कुछ खास नहीं है बट गेंदबाजी से अच्छा किया है, इस कारण से एक CBC के बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं विमल खंडोरी। इस क्लब से सबसे बेस्ट प्लेयर्स मुझे बिमल खंडूरी ही लग रहे हैं। हितेश थदानी आपको 14% सिलेक्शन के साथ दिख जाएंगे, दूसरे क्लब से खेलते हुए इसी 2021 के अंदर इनके प्रदर्शन लास्ट के 3 मैचेस देख सकते हैं, एक एक विकेट निकाले, इसमें बॉलिंग नहीं मिली थी, लास्ट के 3 मैचेस की बात कर रहे हैं। बाकी अपने खुद के क्लब से खेलते हुए इन्होंने डेथ में गेंदबाजी कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है खुद के MW के तरफ से जब खेलते हैं तो। ओवरऑल 37 मैचेस में जो है इनके नाम 248 रन है, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं लोअर ऑर्डर में आके, 56 ओवर की गेंदबाजी भी किए हैं और 23 विकेट भी निकाले। रिसेंट फॉर्म की बात कर ले तो नंबर 5 पे आके 1 रन 2 गेंदों में प्लस लगभग 2 ओवर की गेंदबाजी 15 रन विकेट लेस, यहाँ पे नंबर 5 पे आए 5 रन 2 ओवर की गेंदबाजी विकेट लेस, यहाँ पे नंबर 3 पे आ गए 18 रन 1 ओवर की गेंदबाजी 14 रन। तो देखिए इन्होंने बट गेंदबाजी तो अच्छी की है बट विकेट लेस गया, बट खिलाड़ी रहेंगे, इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है कम, बैटिंग सेक्शन में आपको मिलेंगे, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों दे देंगे आपको। श्रीकांत कोमरी फेलेफू जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है, बहुत नीचे बल्लेबाजी करते हैं इसलिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, यूरोपियन का जो है एक्सपीरियंस है, 24 मैचेस में 187 रन है, 15 के एवरेज से रन बनाए हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करें, नंबर 6 पे आके 3 रन, नंबर 5 पे आके 5 रन प्लस 1 ओवर की गेंदबाजी, नंबर 5 पे आके 28 रन, यहाँ पे 1 ओवर की गेंदबाजी किए हैं बट ये ज़्यादा गेंदबाजी करते नहीं हैं एज ए विकेट कीपर या फिर सिर्फ बल्लेबाजी खेलते हुए देखेंगे, विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेंगे। अविनाश राणे राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, इसी 2021 में खेल चुके हैं और 11 मैचेस खेले थे ओवरऑल यूरोपियन T10 के अंदर, जहाँ पे 19 ओवर की गेंदबाजी करके 7 विकेट लिए, इकॉनमी थोड़ी सी इनकी महंगी रहती है। तो ये प्लेयर जो है ECS का रिकॉर्ड तो उतना कुछ खास नहीं है बट मैं आपको बता दूँ रिसेंट फॉर्म बड़ा तगड़ा है, 2 ओवर की गेंदबाजी 7 रन 0 विकेट, यहाँ पे 1 ओवर की गेंदबाजी 10 रन 0 विकेट, यहाँ पे 2 ओवर की गेंदबाजी 1 मैडन 2 रन 6 विकेट एक ही मैच में लेके गए थे। तो इस प्लेयर्स को आप ले रहे हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं बट मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि आप इनको ड्रॉप भी करके जा सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क रहेगा, सिलेक्शन हाई है बट आप GL में तो ये वाला रिस्क ले सकते हैं, अविनाश राणे को आप ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप ही होते हैं। कुछ मैचेस में देखिए स्पिनर का तो यही फंडा रहता है ना कि 20 भी मैच में स्पिनर बॉलिंग विकेट लेते हैं, सीधे 3-4 विकेट लेके चले जाते हैं, बस यही प्रॉब्लम है। और राहुल शुक्ला भी अब देखेंगे तो इसी 2021 के अंदर 28 मैचेस में मात्र 12 मैचेस में ही बॉलिंग किए थे, यानी कि 16 मैचेस में तो इन्होंने बॉलिंग ही नहीं की है, इकॉनमी बहुत ख़राब है, विकेट ज़्यादा मिलता नहीं है। और रिसेंट टाइम में भी जो क्लब T20 के मैचेस खेले हैं ना, यहाँ पे भी इनसे बॉलिंग
ज़्यादा करवाई नहीं जा रही थी, या करवाई भी जा रही थी तो इनको ओवर मिल नहीं रहे थे। बट ये भी वही है कि एक मैच में 3 ओवर की गेंदबाजी करके 9 रन दे के 4 विकेट लेके गए हैं लास्ट के 3 मैचेस की बात करें तो राहुल शुक्ला भी थोड़े बहुत ट्राइबल बन रहेंगे, आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, इनका भी सिलेक्शन हाई है। अरित्रा चक्रवर्ती जो कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, 9 मैचेस 2020 में खेले थे ECS के, जहाँ पे 76 रन बनाए थे 15 के एवरेज से, और रिसेंट टाइम में देखेंगे नंबर 6 पे भी आए हैं, नंबर 1 पे भी आए हैं, नंबर 3 पे भी आए। तो इनका बैटिंग ऑर्डर कुछ मतलब कि कंफर्म नहीं रहता है, तो उतना कुछ मुझे उतने कुछ खास लगे नहीं, मैं इग्नोर ही करूँगा। विनोद सावंत, इनके स्टेट जब आप ECS 2021 के देखेंगे तो आपको बहुत ही ख़राब लगेगा। 15 मैचेस में मात्र 2 मैचेस में ही इनको बॉलिंग मिली थी और 2 ओवर की गेंदबाजी किए थे और 30 रन दे दिए थे 2 ओवर में। तो ये वाला जो फॉर्म रहा था ना बहुत ही ख़राब रहा था, बट जब आप रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो बहुत ही शानदार रहा है। इस कारण से विनोद सावंत बिल्कुल आपके टीम में होने चाहिए। नंबर 7 पे आके 3 रन 3 गेंदों में 2 ओवर की गेंदबाजी, 22 रन देखे 2 विकेट। यहाँ पे नंबर 6 पे आके 4 रन 2 ओवर की गेंदबाजी, 6 रन 2 विकेट। यहाँ पे 2 ओवर की गेंदबाजी, 15 रन 1 विकेट। तो किसी भी मैच में विकेट लेस नहीं गए हैं, सारे मैचेस में पूरे पूरे ओवर किए हैं T10 के अंदर, और 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, यानी कि लास्ट के 3 मैचेस में 5 विकेट लेके आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिल्कुल आप टीम में ट्राई करेंगे। वैसे भी हाई सिलेक्टेड है, ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे। संतोष मांडा की बात कर लेते हैं, तो इसी 2021 में इन्होंने 7 मैचेस खेले थे, सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग ही किए थे, इनके अलावा इनको कुछ नहीं मिला था। रिसेंट टाइम में अभी 2 मैचेस T10 के खेले हैं, यहाँ पे भी ये फील्डिंग ही किए हैं, तो इनको भी इग्नोर करना है। अब्बास काजी एक ऐसे प्लेयर्स है जो कि GL की ट्राइबल पिक रहने वाली है, आप अगर कि ये खेलते हैं तो आप GL में ट्राई कर लेंगे। रिसेंट क्लब T10 के मैचेस में आप देखेंगे नंबर 8 नंबर 6 नंबर 3 पे आके बल्लेबाजी किए हैं, प्लस 2 2 1 1 ओवर की गेंदबाजी किए हैं लास्ट, यानी कि कुछ कुछ गेंदबाजी कर रहे हैं, एज ए गेंदबाज ही आप इनको मान के चलेंगे। 15 मैचेस खेले हैं ओवरऑल क्लब के लिए, यानी ओवरऑल में T20 ODD जो भी मैचेस है T10 सारे मिला के 15 मैचेस खेले हैं। 12 मैचेस में बॉलिंग मिली है, 1 मेडन डाल के 8 विकेट निकाले हैं, तो गेंदबाजी तो कर रहे हैं ठीक ठाक, ट्राई कर सकते हैं। अभय सिंह 15 ओवर के 1 मैचेस खेल के आ रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने एक ही मैच खेला था जहाँ पे कुछ करने का मौका नहीं मिला है। अखिलेश कराड़े की बात कर ले तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, और एक ही मैच खेले थे T10 के अंदर, कुछ करने का मौका नहीं मिला है, तो इनको भी इग्नोर करेंगे। अभी आशीष नाथ राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं। रिसेंट टाइम में जो क्लब T10 मैचेस खेले हैं यहाँ पे सिर्फ फील्डिंग ही किए थे, बट T20 के अंदर इनसे गेंदबाजी करवाई गई है। 7 मैचेस में से 4 मैचेस में गेंदबाजी किए हैं, 11 ओवर की गेंदबाजी करके 4 विकेट निकाले हैं, तो इन लोगों को ट्राई भी करते हैं, अगर खेलते हैं तो सिर्फ GL में ही ट्राई करेंगे। हरीश काकीटा जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म मीडियम इनका रोल है, रिसेंट टाइम में क्लब T10 के अंदर इन्होंने 1-1 ओवर की गेंदबाजी किए थे, और T20 के अंदर इन्होंने पूरे ओवर किए थे। ये जो है एक T20 का है, 4 ओवर में 32 रन देके विकेट लेस गए थे। ओवरऑल 5 मैचेस खेले हैं, जिनमें कि 4 मैचेस में 8 ओवर की गेंदबाजी किए हैं, इकोनॉमी अच्छी रही है बट विकेट लेस रहे हैं। ट्राइबल रहेंगे, GL में ही ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बॉलिंग ठीक ठाक कर रहे हैं। केतन धाने जो कि 4 मैचेस खेले हैं, 24 रन, हाई स्कोर 18 का, एवरेज 8 का, ये क्लब T20 के लास्ट के 3 मैचेस हैं, बाकी ये T20 ही खेले हैं। पुनीत अभिचंदा की बात कर ले तो रिसेंट टाइम में क्लब T10 के अंदर 1 ओवर की गेंदबाजी किए थे, 14 रन देके विकेट लेस गए थे, पहला ओवर डाले थे। T20 के अंदर भी बॉलिंग कर रहे हैं बट इनका इकोनॉमी थोड़ा सा ख़राब रहा है, जब भी बॉलिंग करते हैं पहला तीसरा या दूसरा चौथा ओवर डालने जरूर आते हैं, यानी कि न्यू बॉल से बॉलिंग करते हैं। ओवरऑल 11 में से 11 मैचेस में इनको बॉलिंग मिली है, ये एक अच्छी बात है। खेलते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो प्लेयर्स 11 में से 11 मैचेस में बॉलिंग कर रहे हैं थोड़ी बहुत गेंदबाजी यहाँ भी कर सकते हैं। 36 ओवर की गेंदबाजी करके 12 विकेट निकाले, तो 11 मैच में 12 विकेट निकाले आपके लिए डिफरेंशियल पिक रहेगा, इकोनॉमी भी ठीक ठाक रही है T20 के हिसाब से। रामाना काठाकम की बात कर लेते हैं तो क्लब T10 के अंदर एक ही मैच खेले हैं जहाँ पे कुछ करने का मौका नहीं मिला है। सागर सनाफ रिसेंट टाइम में क्लब T10 के मैचेस खेल के आ रहे हैं, कुछ खास किए नहीं हैं, 14 मैचेस में 121 रन है, 1 हाफ सेंचुरी इनके नाम है, मिडिल ऑर्डर में आकर बल्लेबाजी दे सकते हैं, 6 मैचेस में 16 ओवर की गेंदबाजी करके 5 विकेट भी निकाले हैं। अर्णव पांडे और प्रशांत भगत, इन दोनों प्लेयर्स के स्टेट्स नहीं हैं बट इन दोनों के प्लेयर के स्टेट्स अगर मुझे मिलते हैं, अगर ये खेलते हैं, अगर मैं सर्च करूंगा इनके बारे में, अगर मुझे मिलते हैं तो मैं आपको वो टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब हम चलते हैं अपनी डेमो टीम में, बाकी डिस्कस वहीं पे करेंगे। देखिए अभी के लिए मैं यहाँ पे विकेट कीपर R जायसवाल को सिलेक्ट किया हूँ, बट कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं मेरा जो दिल है क्षितिज शाह को लेने का मन है, फुल्ली मन है, बट डर है कहीं ना कहीं जो बॉलिंग कर लेते हैं बस इसी चीज़ का डर है। बल्लेबाजी से मुझे बिल्कुल इन पे डर नहीं है, बट गेंदबाजी कर लेंगे बस इसी चीज़ का डर है। मेरा अंदर से बिल्कुल ही मेरी गट फील है कि मैं क्षितिज शाह को लूँ, हो सकता है फाइनल टीम में मैं क्षितिज शाह के साथ ही जाऊँगा, इसलिए टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाएंगे। इस मैच की टीम भी आने वाली है, क्षितिज शाह को लेने का बिल्कुल मेरा मन है और मैं GL में तो बिल्कुल लूँगा, स्मॉल लीग में लूँ या ना लूँ, क्योंकि ये प्लेयर्स मुझे बहुत जो है अच्छे हैं, क्योंकि ओपन या वन डाउन आएंगे विकेट कीपिंग करते हैं तो एडवांटेज रहेगा। इनके अलावा पी देवल भी एक ठीक ठाक ऑप्शन है, इनको भी ले सकते हैं। आर जायसवाल को मैं अभी सेफ जाते हुए लेके जा रहा हूँ। यहाँ से गौरव सागवान जो कि ओपनिंग या फिर वन डाउन आ जाएंगे, आपको एक आधी ओवर गेंदबाजी भी दे सकते हैं क्योंकि रिसेंट टाइम में गेंदबाजी किए हैं। वीर रनावट इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये आपको जो है बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, टीम के कैप्टन भी हैं। इनके अलावा देखिए जीवन लामसल अच्छा काम कर सकते हैं, आप इनको GL में बिल्कुल ट्राई करेंगे, आप SL में भी ट्राई कर सकते हैं किसी और के जगह, आपको अगर लगता है कि नहीं ये प्लेयर्स अच्छा कर सकते हैं इस मैच में, क्योंकि है तो अच्छे प्लेयर्स, 3 हाफ सेंचुरी T10 के अंदर कम नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा जीवन लामसल आपके लिए एक अच्छी पिक बन सकती है। यहाँ से देखिए मैंने एस थाटानी को लिया हूँ क्योंकि ये बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों करते हैं, 14% सेलेक्शन है, बहुत ही एक अच्छी पिक रहेगी, बल्लेबाजी और गेंदबाजी, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, तो एस थाटानी बिल्कुल मैं अपने टीम में लेके जा रहा हूँ, राणा भट्ट के साथ गौरव सागवान भी है। भी सावन देखिए T10 के अंदर, यूरोपियन T10 के अंदर बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड है, 12 या 10 मैच खेले थे जिनमें कि इनको 2 मैच में ही बॉलिंग मिली थी, बट रिसेंट फॉर्म जो रहा है ना वो बहुत ही तगड़ा रहा है, लास्ट के 3 T10 मैचेस में पूरे 6 ओवर की गेंदबाजी करके विकेट भी लिए हैं, तो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये एक ऑलराउंडर प्लेयर आई थिंक ही नहीं है, ये तो सिर्फ गेंदबाज है, ये आपको गेंदबाजी ही देंगे। एस अख्तर जो कि गेंदबाजी भी किए थे लास्ट मैच में, HCBC के अच्छे ऑप्शन रहेंगे। पी परवेश जो कि गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों देंगे, बल्लेबाजी थोड़ा नीचे करते हैं। भी खंडूरी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मुझे लगता है इस टीम से, क्योंकि ये गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों आपको टॉप ऑर्डर में ही देंगे, ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं प्लस आपको नंबर 3-4 पे बल्लेबाजी भी दे देंगे, ध्यान रखिएगा भी खंडूरी HCBC के बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। यहाँ से और मुझे उतने कुछ खास पिक दिख नहीं रहे, ए पांडे और यहाँ से क्या है पी भगत, इन 2 प्लेयर्स के मेरे पास स्टेट्स नहीं हैं, और बाकी प्लेयर्स के आप इन लोगों के जो है अब वीडियो में बता चुका हूँ, आप उनके स्टेट देख सकते हैं। ए रानी ये प्लेयर्स को आप जो है ड्रॉप भी करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, GL में बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं, ये जब भी लेते हैं ना 2 से 4 विकेट लेके जाते हैं, अन्यथा ये बिल्कुल आपको इकोनॉमी माइनस करके भी जा सकते हैं। राहुल शुक्ला ये भी उसी तरह के प्लेयर है, इनको भी ओवर करते हैं, इनको भी पूरे ओवर नहीं मिलते हैं, तो इन दोनों प्लेयर्स की जगह अगर पहले गेंदबाजी अगर आ जाती है तो मेरे टीम में जो है ना डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिख जाएंगे वो भी कतरी, ये प्लेयर्स मुझे काफ़ी पसंद है, इनके बॉलिंग में स्विंग भी है और अच्छी लाइन लेंथ भी है, मैं इनके साथ जा सकता हूँ। पी अभी चंदानी ये खिलाड़ी जो है डिफरेंशियल साबित हो सकते हैं अगर खेलते हैं तो, इनके अलावा जो है यहाँ पे एच का कीटा अगर खेलते हैं तो डिफरेंशियल, ये सारी पिक है। बाकी मेरे टीम में अर्जुन शाही और एम हुसैन तो बिल्कुल रहने वाले हैं, ये 2 प्लेयर्स रहने वाले हैं, एक प्लेयर्स वो गेम टाइम डिसीजन रहेगा कि मैं किसको लेने वाला हूँ, एक विकेट कीपर गेम टाइम डिसीजन है और एक यहाँ पे ए राणे आर शुक्ला और यहाँ से जो है बी खत्री, जिनके पहले गेंदबाजी आएगी मैं उनको ले लूँगा, वैसे तो ज़्यादा मन है मुझे बी खत्री लेने का, इन दोनों का जो है इन 2 प्लेयर्स का श्योरिटी नहीं है कि कितने ओवर बॉलिंग करेंगे प्लस कैसे बॉलिंग करेंगे, क्योंकि इन लोगों के स्टेट्स उतने अच्छे नहीं हैं। यहाँ से मैं अभी के लिए जो है कुछ जो है अपनी टीम कुछ इस प्रकार से अभी डेमो टीम बन रही है। डेमो टीम में देखिए आर जायसवाल के जगह मेरे टीम में कोई अदर प्लेयर्स भी आ सकते हैं, देखेंगे तो यहाँ से आप देख ले तो मेरे ख्याल से जो है ना मैंने 4 मेन बॉलर इनके टीम से ले लिए हैं, ये 4 इनके मेन बॉलर है, एक बॉलर जो है 2 ओवर नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर जो आप राहुल को लेंगे या फिर आप लेंगे यहाँ पे जो थे एक और जो प्लेयर हाई सिलेक्टेड है यहाँ पे आपको मैं बता दूँ ए रानी, तो इन लोगों के जो है अगर ये लोग खेलते भी है तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग पूरे ओवर 2 ओवर करेंगे, क्योंकि गौरव सागवान भी एक आधी ओवर डाल लेंगे, हो सकता है राहुल एक आधी ओवर डाल ले और राणे एक आधी ओवर डाल ले, यानी कि इन लोगों के 2 ओवर जो 2 ओवर मुझे कन्फर्म लग रहे हैं, 8 ओवर मैंने यहाँ से कन्फर्म कर लिए हैं इनके, 2 ओवर बढ़ सकता है, इस कारण से बी खत्री मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे क्योंकि ये 2 ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं। एम हुसैन 2 ओवर, SI 2 ओवर, एस अख्तर 2 ओवर और यहाँ से बी राणा भट्ट, तो 10 ओवर मैंने यहाँ से कवर कर लिए हैं। हाँ बट यहाँ से एक प्लेयर्स हैं
जो जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए, अगर वो खेलते हैं तो आपके लिए वो 2 ओवर कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेयर्स हैं आपको मिल जाएंगे बी बासनेट, जो कि पिछले मैच में जो है माइनस हुए थे, 2 ओवर में 41 रन दिए थे। तो अगर ये खेलते हैं तो जीएल की एक अच्छी पिक रहेगी, 2 ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं, बट कितना करेंगे कहना मुश्किल है। बट अभी के लिए जो मुझे लग रहा है वो कुछ इस प्रकार से ही लग रहा है। और अभी के लिए अपनी कैप्टेंसी की बात कर लें तो सबसे बेस्ट कैप्टेंसी राणा पाटी दिख रहा है। इनके तरफ जो भी प्लेयर्स हैं ना, मुझे प्रॉपर जो है अच्छे ऑलराउंडर नहीं दिख रहे। जितने राणा भट्ट मुझे जो लग रहा है कि थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, जो अच्छा करते हुए हैं, इनके अलावा अयाज अख्तर एक अच्छे ऑप्शन है। लास्ट मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी भी किए थे, विकेट भी लेके गए हैं, नंबर 4-5 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनके अलावा यहाँ से अगर इनके टीम से कोई रिलायबल प्लेयर लग रहा है तो वो मुझे बी कंडोरी लग रहे हैं, और मैं वही कर रहा हूँ। मैंने अपनी कैप्टनसी राणा भट्ट को दी है, बी कंडोरी को मैंने बी सी दी है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जीएल के लिए आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये तो नहीं, यहाँ पे एस अख्तर तो ऑप्शन है ही, ए शाही एक अच्छे ऑप्शन है, पी परवेश एक अच्छे ऑप्शन है। तो कुछ ये ऑप्शन हैं, बी राणा भट्ट, एस अख्तर, पी परवेश, बी खंडोरी, एस आई, ये 5 प्लेयर्स जीएल के लिए मुझे अच्छी पिक लग रही है। बाकी यहाँ से आप जीएल आमसाल को लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, अच्छा काम करके दे सकते हैं इस मैच में। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प कर पाया होगा। अगर कुछ हेल्प हुई तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।